ट्यूटोरियल में आप सीखने वाले हो कि कैसे 1D नंबर एरे को 2D एरे में कन्वर्ट किया जाए। तो बेसिकली हमारा 1D एरे होता है जिसको हम वन सिंगल इंडेक्स से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। 2D एरे जो होता है हमारा जिसको हमें डबल इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले हम इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज, इंपोर्ट लाइब्रेरी। तो हम पहले नंबर इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट नंपाई एस एनपी कर लेंगे। ये हमारा एरे का ध्यान रखेगा। और फिर हम डिफाइन करेंगे एक एरे, डिफाइन एक्स एरे। एक्स हमारा वेरिएबल हो गया और हमने दे दिए एनपी डॉट लीन स्पेस 1 to 100 कर दिया और हमने 100 एलिमेंट्स दे दिए इसमें। अब से कर सकते हो कि हमारा एक्स है क्या, ये हमारा एक्स 1 to 100 मेरा 1D एरे हो गया। ओके तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2D एरे में। x इंटू 2D एरे। तो हम यहाँ पे y हमारा 2D एरे हो गया। उसके हम टाइप करेंगे कमांड, पहले एक वेरिएबल नेम y 2D एरे और np डॉट रिसेव करेंगे। फिर हम अपने यहाँ एरे पास करेंगे, 1D एरे पास करेंगे और फिर हम कितने रोज हैं और कितने कॉलम। ओके और यहाँ पे हमारा जो रोज इनटू कॉलम है हमारा साइज या लेंथ ऑफ 1D एरे के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा बेसिकली कंडीशन हो गया है कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हमारा 100 है तो हमारा 1:100, 20:5, 5:20, 50:20, 10:10, तो हमारा उस फैक्टर में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना एरे पास करेंगे। हमारा एरे क्या है, एक्स एरे है। फिर हम जैसे हम चाहते हैं कि मेरे पास 5 रोज हो और 20 कॉलम्स हो, फिर हम यहाँ पे अपना एरे प्रिंट करेंगे। देखते हैं क्या आता है। देख सकते हो कि आपको 5 रोज मिल गए हैं और हर एक में 20 एलिमेंट्स हैं। तो आप रिवर्स भी कर सकते हो, 20:5 भी कर सकते हो, बस हमारा 100 के मल्टीपल होना चाहिए। देख सकते हो हर एक के पास 20 रोज हो गए और हर एक में 5 एलिमेंट हैं। आप 2 rows 50 कॉलम कर सकते हो, 2 rows 2 कॉलम कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखिए आपका 100 का मतलब आपका जो लेंथ है रोज और कॉलम के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे आप कर सकते हो, सकते हैं आपके पास 2 कॉलम है और 50 रोज है। आप इसको सिमेट्रिकल 10:10 भी कर सकते हो, 10 रोज आ गए और 10 कॉलम आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीका मालूम हो गया कैसे नंपाई